लोकसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। रविवार को एक होटल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री और विधायक अनिता बघेल, भाजपा देहात अध्यक्ष प्रोफेसर बीपी सारस्वत, उप महापौर संपत सांकला सहित कई भाजपा पदाधिकारियों ने प्रेस को संबोधित किया। पूर्व मंत्री अनिता बघेल ने बताया कि अंकों के हिसाब में 100 दिन किसी भी सरकार के काम का आकलन होता है, लेकिन ताज्जुब है राजस्थान की कांग्रेस सरकार सभी कामों में विफल रही, क्योंकि एक तो बहुमत और अल्पमत के बीच झूलती सरकार निर्दलीय और दूसरे दलों को लोक लालच। सरकार ने 10 दिन में किसानों का पूरा कर्जा माफ करके नौजवानों को 3000 का बेरोजगारी भत्ता सहित अनेकों झूठे वादों और जुमलों से राज तो हासिल कर लिया, लेकिन अब सरकार मुकर रही है और प्रदेश की बोली वाली जनता को ठगने का काम कर रही है। कांग्रेस की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, लेकिन 100 दिन का ब्यौरा किसी भी कांग्रेस की सरकार के ना तो मिनिस्टर ने दिया है ना मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इन 100 दिनों में कांग्रेस ने इस प्रदेश को बुरी तरह से तबाह करने की राह पर लेकर के गए हैं। महिला अत्याचारों में बहुत बेतहाशा वृद्धि हुई है, 16% वृद्धि महिला अत्याचारों में हुई है और 86% वृद्धि ऑल ओवर अपराधों में हुई है। प्रत्येक दिन 2 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। राहुल गांधी जी जब 2 दिनों में राजस्थान में थे, उन 2 दिनों में 11 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, तो ये संकेत है कि राजस्थान किस दिशा की ओर जा रहा है। कांग्रेस ने जो वादे किए वो सारे झूठे साबित हुए, चाहे संविदा कर्मियों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे बेरोजगारों की बात हो। इसके विपरीत राजस्थान सरकार की अच्छी योजनाओं को बंद किया गया है। भामाशाह हो, आयुष्मान भारत हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, इनको बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ में उन्होंने बिजली और पानी के दामों में बेतहाशा वृद्धि की है, जो ना तो बिजली प्रदेश में आ रही है ना पानी प्रदेश में आ रहा है, लेकिन दामों में लगातार वृद्धि हुई है। इन 100 दिनों में यदि कोई काम हुआ है तो वो हुआ है तबादला उद्योग बना है और भ्रष्टाचार ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। इस तबादला उद्योग के कारण से आम व्यक्ति परेशान है, गेहूं नहीं मिल रहा है, निर्माण श्रमिकों को दी जाने वाली समस्त सुविधाओं को बंद कर दिया गया है। तो जब ये बात कहते हैं कि हम जनता के लिए बने हैं, जनता की भलाई के लिए बने हैं, तो जनता की भलाई करने वाली सरकार क्यों नहीं उनको राशन का गेहूं उपलब्ध करा रही है, क्यों नहीं उन निर्माण श्रमिकों को उनकी जो राशि है वो दे रही है, जो उनके लाभकारी योजनाएं है वो दे रही है, क्यों नहीं ये सरकार भामाशाह का इलाज जो मुफ्त में होता था वो क्यों नहीं दे रही है। इस भामाशाह के बंद करने के कारण से सारा वर्कलोड सरकारी हॉस्पिटल्स पर आ गया है और सरकारी हॉस्पिटल्स पर वर्कलोड आने की वजह से पूरा अस्पताल जो था वो चरमराया हुआ है। वहाँ किसी मरीज की सुध लेने वाला कोई अब बचा नहीं है। ट्रांसफर्स कर करके सरकारी हॉस्पिटल से लोगों को दूर भेजा जा रहा है ताकि लोग परेशान हो और लोग अपनी ड्यूटी ठीक प्रकार से नहीं करें। इसलिए ये 100 दिनों में जो भी किया है राजस्थान सरकार ने वो जनता के विरोध में किया है। ये 100 दिन सरकार के पूरे हुए हैं, लेकिन जनता के सबसे बुरे दिन ये 100 दिन निकले हैं, जिसमें सारी विकास की योजनाओं को ठप्प कर दिया गया है, लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, जितने काम चल रहे थे उन सभी कामों को रोक दिया गया है। और इसके विपरीत में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन योजनाओं को शुरू किया, जिन योजनाओं का लाभ सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट स्कीम के द्वारा लोगों को मिलना चाहिए था, उसको भी इस सरकार ने लागू नहीं किया है और उसको बंद किया सिर्फ इस कारण से कि कहीं नरेंद्र मोदी जी को श्रेय नहीं मिल जाए। पर जनता जागरूक है, जनता सब कुछ जानती है और इस आने वाले चुनाव में जनता उस ईवीएम मशीन पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को वोट देकर के इस सरकार को जरूर सबक सिखाएगी। ये 100 दिनों का लेखा जोखा हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं मानती हूँ कि जनता इस बात को सबसे सहमत है और जनता आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को पुनः बनाने वाली है। 14 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस अधिसूचना को जारी कर दिया और इस 10% जो आरक्षण सामान्य जातियों के लिए किया गया, इसमें केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में, राज्य सरकार की सभी नौकरियों में, केंद्र सरकार के सभी संस्थानों में, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो मेडिकल संस्थान हो, उन सब संस्थानों में उनको लाभ मिलना था। पर मुझे ये कहते हुए बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार ने जानबूझकर इस अधिसूचना को लटकाए रखा और 1.5 महीने बाद
24 फरवरी को उन्होंने इस अधिसूचना की कॉपी नीचे अधिकारियों को भेजी। अधिकारियों ने इस पर अलग अलग तरह से मार्गदर्शन मांगते रहे और आज की तारीख में एक भी सामान्य वो जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति जिसको इस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था एक को भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया और इस कारण से अभी तक केंद्र सरकार ने 1.5 लाख भर्तियां निकाल दी है बैंकों में रेलवे में, पर दुर्भाग्य ये रहेगा कि राजस्थान का युवा उससे वंचित रहेगा। इसी तरह से IIT IIM केंद्रीय विद्यालय वहां पर प्रवेश प्रक्रियाएं प्रारंभ होने जा रही है, पर इस प्रमाण पत्र के अभाव में हमारा वो सामान्य वर्ग का गरीब बच्चा उससे वंचित रहेगा। मुझे लगता है राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि इस लाभ से वो लोग वंचित रह सके। अभी 12 मार्च को प्रमाण पत्र का प्रारूप अधिकारियों को भेजा है कि ये प्रमाण पत्र का प्रारूप होगा और उस पर भी किसी तरह की कार्रवाई अधिकारी नहीं कर रहे हैं। दबी जुबान अधिकारियों का ये कहना है कि राजस्थान की ये कांग्रेस सरकार ने हमें संकेत दिए हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है और इस कारण ये जो केंद्र सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, गरीब सामान्य वर्ग के परिवारों को भी आरक्षण मिले, ये मांग बहुत पुरानी थी और मैं धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इस मांग को पूरा किया और दुख प्रकट करूंगा इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जिन्होंने इसको लटका के रखा है और इससे हमारे राजस्थान के युवाओं को इसका लाभ नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में नहीं मिल रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत में इस राजस्थान को छोड़कर बाकी सब राज्यों ने इसको लागू किया है। इवन है मध्य प्रदेश में जहाँ पर इनकी कांग्रेस की सरकार है उन्होंने भी प्रमाण पत्र जारी करना शुरू कर दिया, पर अशोक गहलोत जी राजस्थान के उन सामान्य गरीब बच्चों से क्या चाहते हैं, उनके प्रति उनका क्या सोच है, ये इससे संकेत भी मिलता है और संदेश भी मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आने वाले समय में ये युवा जो लाभों से वंचित होता जा रहा है ये कांग्रेस को सबक सिखाएगा इस लोकसभा चुनाव में और कांग्रेस की भारी पराजय हमको साफ साफ दिखाई दे रही है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।